वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का इमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे SSC एग्ज़ाम जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ओरिजिनिंग का क्लास नंबर 16 है। उससे पहले मैं 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखें और कंसेप्ट को सीखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सब लोग इस वीडियो को देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ऑरेंज इज कोडेड एज, इस तरह कोडेड किया हुआ है, कस्टर्ड को कोड किया गया है, तो इसका क्या कोडिंग होगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे, ये क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, तो आपको कैसे सॉल्व करना। देखिए अब इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया, देखिए इससे रिलेट क्या मतलब, जो सिंपली है ये सिंपल क्वेश्चन है, जो ओ से ओ जेड है, आर की जगह बी है, ए की जगह के है, उसी तरह रिलेट किया है। तो जी जो है, जी ठीक है, तो जी 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 यहाँ पर जी है, तो जी इसमें देखिए सेकंड लास्ट में, यानी कि बी हो गया, ठीक है। ए ए क्या है, थर्ड में, थर्ड से ऑरेंज की जगह में थर्ड, ए की जगह क्या है, के है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर, आर को देखिए कहाँ है, आर इसमें सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट यानी कि बी, ठीक है। उसके बाद जी देखिएगा, जी पहले लिख चुके हैं बी, फिर ए को पहले लिख सके के, और एन कहाँ पर रिलेट करता है, एन यानी कि फोर्थ ऑरेंज में जो फोर्थ लेटर है, दैट इज एस। तो यहाँ पर देखिए बी के बी बी के एस कहाँ पर ऑप्शन है, एन को रिलेट किया है किससे, एन को रिलेट किया है एस से, ठीक है। तो बी के बी बी के एस यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी यहाँ मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या कि सिंपली इसको जो दिया हो उसको सिंपली उसमें रख देना है, जैसे जी ऑरेंज में जो भी दिया है कोड, कस्टर्ड का जो कोड दिया है, सिंपली उसको आपको मिलाना है, मिला मिला के आपको ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है कि सिक्स चिल्ड्रन एफ आर आई एम ई आर सिटिंग स्टैंडिंग अपोजिट टू इच अदर, ठीक है, छः बच्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सर्किल ड्रॉ करेंगे, सर्किल में छः आदमी हैं, छः बच्चे हैं, छः बच्चे हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि एफ के तुरंत दाएं आई है, एफ के तुरंत दाएं आई है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ है वही एफ के तुरंत बाएं तरफ है, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, जो मतलब एफ के माने एम के दाएं हो, एफ के बाएं हो, वही बच्चा रहेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ई और ई, आर और ई ठीक बीच में, एम के बीच में खड़ा है, ठीक है। तो एम यहाँ भी हो सकता है, एम यहाँ भी हो सकता है, तो M को क्या करेंगे, M यहाँ लेते हैं, ठीक है, M को हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो M को अगर यहाँ लेते हैं, M तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, ठीक है। तो M को हम यहाँ लेते हैं, M के, M जो है R और E के बीच में है, तो R और E यहाँ भी हो सकता है, या तो E और R यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए फिर से पढ़ते क्वेश्चन को, F के तुरंत दाएं तरफ, F के तुरंत दाएं, F के तुरंत दाएं तरफ कौन है, आई है, ठीक है। और जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है, F के, जो बच्चा M के तुरंत दाएं तरफ है वही बच्चा F के तुरंत बाएं तरफ है, ठीक है। फिर बोलता है कि E, R और E, R और के बीच में E और R और E के बीच में M है, ठीक है। तो बच्चा कौन, S, ठीक है। तो ये तो मेरा बन गया। अब क्या बोल रहा है कि हु लेफ्ट, मतलब किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, एस की तरफ, यानी कि एस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको अरेंज करना पड़ेगा कि किस तरह हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, जिस तरह दिया हुआ उसको हम अरेंज करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है, कि एप के दाएं तुरंत आई है, एप के दाएं आई है, ठीक है। फिर बोलता है कि जो बच्चा एम के तुरंत दाएं है, मान ली एम यहाँ है तो एम के तुरंत दाएं
जो बच्चा है वो एफ के, माने एक बच्चा यहाँ होगा ठीक है, एम और एफ के बीच में एक एक चिल्ड्रन होगा ठीक है। फिर बोला कि आर और ई के ठीक बीच में एम खड़ा है, एम के आर और ई के बीच में, या तो ई यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर भी यहाँ ठीक है, क्योंकि एम के बीच में एक ही बच्चा होगा ना, एम तो यहाँ नहीं ले सकते ना, तो एम और एफ के बीच में एक ही बच्चा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर एम को हम यहाँ लेना पड़ेगा ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, आई के, आई किसके बाएं तरफ है, तो यस के, तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो गया। अब फिर बोलता है कि यदि यह पता हो जाए कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है ठीक है, एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, माने एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, अगर हमको पता चल जाता है कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, यस का मतलब क्या है, यहाँ पर ई हो जाएगा, एफ के, देखिए क्वेश्चन को देखिए, एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, यहाँ मतलब यहाँ पर आर हो जाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो डैश के ठीक बीच एस खड़ा है, एस किसके बीच में खड़ा है, देखिए एस किसके बीच में खड़ा है, आई और आर के बीच में, एस किसके बीच में खड़ा है, आई और आर के बीच में, तो आई और आर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, थ्री का ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई और आर के बीच में राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें से सी ए टी करके दिया हुआ है, तो सी है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो एफ तो आ रहा है, एफ मेरा ऑप्शन में दो गो में, तीन ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया ठीक है। अब ए देखना है, ए बी सी यानी कि डी आना चाहिए, तो यहाँ पर डी आना चाहिए ठीक है, तो एफ और डी एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो यहाँ भी टी आएगा, तो एफ डी टी ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, पद्मा के पिता, पद्मा के पिता, पिता माने क्या, मेल हो गया, तो मेल को हम स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। पद्मा के पिता के पुत्र माने इसके पुत्र की बहन, इसकी बहन होगी, उसकी बहन जो है अरविंद की माता है, यानी अरविंद की माँ है, तो पूछ रहा है कि अरविंद से पद्मा के पिता क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या होगा, दादाजी लाएंगे यानी कि ग्रैंडफादर, दादाजी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे बोल रहा उसी तरह पढ़ते जाइए, पद्मा के पिता माने पद्मा के पिता ठीक है, पद्मा के पिता, ये पिता हो गए, पद्मा के पिता, पद्मा के पिता के पुत्र, पुत्र मतलब पुत्र ठीक है, पुत्र की बहन ठीक है, पुत्र की बहन अरविंद की माता, जो बहन है उसकी माने जो बहन है उसकी माता, बहन जो है अरविंद की माता है, तो अरविंद और जो पद्मा के पिता में क्या रिलेशन है, तो दादाजी का संबंध हो जाएगा, ग्रैंडफादर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, इसी लॉग का क्वेश्चन है, देखिए सम रेडियो और टेलीफोन ठीक है, कुछ रेडियो जो है वो क्या है, कुछ रेडियो जो है वो क्या है, टेलीफोन है ठीक है, सम रेडियो आर टेलीफोन एंड ऑल टेलीफोन सर मिरर, जितना भी टेलीफोन है वो क्या है, मिरर है ठीक है, और मिरर आर डेस्क, जितना भी मिरर है ना वो क्या है, डेस्क है ठीक है। ये तो आपका स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिए वेन डायग्राम में ठीक है, अब कंक्लूजन बताना है ठीक है, कंक्लूजन बताना, तो कंक्लूजन ऑन क्या बोला, देखिए कंक्लूजन देखिए, सम रेडियो आर डेस्क, कुछ रेडियो जो है वो डेस्क है, देखिए इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इसका मतलब क्या, कुछ रेडियो जो है वो डेस्क है सही है। फिर बोला सम रेडियो और मिरर, कुछ रेडियो जो है मिरर है वो भी इंटरसेक्शन है, यानी कि दोनों इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सम रेडियो आर मिरर और सम रेडियो आर डेस्क, दोनों संबंध जो है, दोनों कंक्लूजन जो है राइट है, तो बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट ठीक है, मतलब निष्कर्ष वन और दो दोनों सब तर्क संगत है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ठीक है, आनंद प्रेमा का पुत्र है, आनंद जो है वो किसका पुत्र है, प्रेमा का,
प्रेमा का, ये पुत्र है यानी कि मेल हो गया, तो आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है, ठीक है। एंड राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव जो है वो उसका भाई है, किसका, प्रेमा का भाई है, ठीक है। और नेहा रश्मि की पुत्र है, नेहा जो है रश्मि की पुत्र है, ठीक है। और इसमें कोई नेहा और रश्मि में कोई भी संबंध नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेहा राजीव की बहन है, नेहा जो है वो राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है, ठीक है। तो बहन फीमेल हो गया, तो हम इस सर्कल से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो छूटा था रश्मि नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा जो है किसकी पुत्री है, रश्मि की पुत्री है, ठीक है। नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, तो ये पूरा हो गया। अब फिर से देख लेते हैं इसको, आनंद प्रेमा का पुत्र है, आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है, यानी कि आनंद मेल हो गया। और राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव जो है प्रेमा का भाई है, ठीक है। और नेहा रश्मि की पुत्री है, इसको अभी तो कुछ बता नहीं सकते, तो नेहा राजीव की बहन है, नेहा जो है राजीव की बहन है। तब अब नेहा का पता चल गया, तो नेहा रश्मि में क्या संबंध है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा जो है रश्मि की पुत्री है। तो प्रेमा और रश्मि जो इसमें कोई डिनोट नहीं किया है कि मेल है कि फीमेल है, कि पुरुष है कि महिला है, ठीक है। तो इसको हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि आनंद रेशमा की ओर से किस प्रकार संबंध है, आनंद जो है वो देखिए, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू रश्मि, रश्मि का क्या रिलेशन होगा, आनंद और रश्मि में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए आनंद रश्मि में क्या रिलेशन होगा, तो आनंद जो है क्या होगा, ये तो सिंपल ही तो मेल हो गया, तो मेल हो गया इसका मतलब क्या होगा, या तो मेल हो गया यानी कि ग्रैंड सन हो जाएगा, तो सेवन का बी ऑप्शन आपका, सेवन बी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब इस क्वेश्चन में जब दिया नहीं है कि पी और आर मेल है कि फीमेल है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि रश्मि आनंद से कैसे रिलेटेड है, तो आप बता नहीं सकते थे, क्योंकि रश्मि का जेंडर जो है वो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सी ए एफ डी एल आई जी मतलब एक मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग में क्या हो जाएगा, देखिए सी और एफ यानी कि प्लस थ्री हो रहा है, देखिए सी एफ आई एल ओ डैश यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ किया, यहाँ क्या हुआ, सी तीन में आता है यानी कि प्लस थ्री, ठीक है। एफ से आई गया जी एच आई प्लस थ्री, आई के एल यानी कि प्लस थ्री, इसमें भी प्लस थ्री यानी कि प्लस थ्री होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस थ्री यानी कि आर, यानी कि आर तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि आर पी ऑप्शन हो जाएगा राइट, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आर पी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में आगे अगर आपको आंसर मिल जाता है, तो आगे आप चेक मत कीजिए, तुरंत से उसको आंसर को टिक कीजिए और आगे निकल जाइए, आपका टाइम सेव होगा और ज़्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यार्ड इंच से रिलेटेड है, तो क्वार्ट, क्वार्ट किससे रिलेट होगा, ठीक है। तो क्वार्ट किससे रिलेट होगा, तो देखिए जिस तरह यार्ड इंच से रिलेटेड है, उसी तरह क्वार्ट जो है औंस से रिलेट होगा। औंस एक मेजरमेंट होता है जिससे मेजर करते हैं, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यार्ड इंच से रिलेटेड है, तो क्वार्ट जो है वो औंस से रिलेट हो जाएगा, नाइन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या है डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो डिक्शनरी में क्या देखते हैं कि अल्फाबेट के सिस्टम से कौन सा पहले अरेंज किया हुआ है। देखिए सब में डी आर यू, डी आर यू, डी आर यू सब में दिया हुआ है, ठीक है। ई डी यू है, यानी कि फाइव तो लास्ट में चला जाएगा, फाइव तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लास्ट में फाइव नहीं है, और ऑप्शन टू नहीं हो सकता, यानी कि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी और डी हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब डी आर यू है, डी आर यू है, तो पहले बी आता है यानी कि टू आ जाएगा। देखिए इसमें एम है, बी है, एन है, डी है, तो बी आएगा, तो ऑप्शन टू हो गया राइट, ये हो गया। अब बचा क्या, टू तो आपका निकल गया, ठीक है। अब देखिए डी, डी पहले आएगा यानी कि टू के बाद फोर चला जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब एन और एम में देखेंगे, तो पहले एम आता है तो वन हो जाएगा, फिर एन आता है यानी कि थ्री हो जाएगा, यानी कि टू फोर वन थ्री फाइव, ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको डिक्शनरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन का जो है आपका क्वेश्चन नंबर टेन किस साथ चला गया, बी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ईस्ट तरफ गया, मतलब
अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन इस तरह होता है, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो 5 किलोमीटर ईस्ट तरफ गया, तो 5 किलोमीटर ईस्ट तरफ गए, ठीक है। फिर वो राइट टर्न लिए, मैंने दाहिने मोड़े 8 गए, ठीक है। फिर बाएं मोड़े लेफ्ट तरफ और गए 5 किलोमीटर, फिर बाएं मोड़े और 8 किलोमीटर गए, कितना गए 8 किलोमीटर। तो पूछा है कि स्टार्टिंग से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, तो स्टार्टिंग से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा 5 5 10, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी। इस तरह डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्या है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है। तो डॉक्टर पांडे, मान लीजिए पांडे, पांडे की जो आयु है उसके पुत्र की आयु को 4 गुना है, मैंने उसके सन की आयु की 4 गुना है, ठीक है। और 10 वर्ष बाद मैंने पी का जो एज होगा 10 साल पास कुछ हो जाएगा, तो दोनों का एज 10 साल बढ़ेगा, तो एस का भी 10 साल बढ़ जाएगा, और तो दोनों का 10 साल का 20 का जो एज होगा, बोला है 10 वर्ष बाद डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती, तो दुगुनी हो जा रही है, ठीक है। अब इसको पी की जगह 4S लिख देते हैं, ठीक है, +10 इक्वल टू 2S +20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर जब जाएगा तो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 2S इक्वल टू 10, यानी कि S इक्वल टू 5। तो पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ डॉक्टर पांडे सन, तो सन का एज क्या है, मैंने डॉक्टर पांडे की पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, तो 5 साल, तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर उसका डॉक्टर पांडे का एज का सन का एज का 4 गुना दिया हुआ है, सन का जो एज है उसका 4 गुना एज उसका पांडे का है, तो 10 साल के बाद तो दोनों का 10 10 ऐड हो जाएगा, तो 10 साल के बाद जो पांडे का एज है वो सन का दुगुना हो जाता है, तो इससे हम एस निकाल लेंगे आसानी से, और एस वही पूछा है, सन का एज तो 5 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंस जो है उसमें से बोलता है कौन सा दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें सी को देखिए, कैंसिलेशन ए है, इंटेलिजेंस में ए नहीं है, इसमें ए है ही नहीं, इसका मतलब इसमें कैंसिलेशन नहीं बन सकता है, तो कैंसल जो है वो ऑप्शन ए जो आपका ये इससे नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, इंटेलिजेंस में ए नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ABC फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुमित्रा जो है उत्तर की ओर चली, सुमित्रा जो है उत्तर की ओर गई, नॉर्थ तरफ, कितना गई तो 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर तक गई। फिर वो अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और कितना गई 16 मीटर। फिर वो अपने बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, ठीक है, बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। फिर वो दोबारा बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है, दोबारा बाएं मुड़ गई और 16 चली, ठीक है। तो पूछती हुआ अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु यहाँ है किस दिशा में, नॉर्थ की ओर, यानी नॉर्थ की ओर मतलब उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर ही है ना, प्रारंभिक दिशा से तो उत्तर की ओर ही है, नॉर्थ की ओर है, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है, जिस तरह दिया हुआ क्वेश्चन में आप उसी तरह ध्यान देना कि बाएं मुड़ रही है कि दाएं मुड़ रही है, कि किस दिशा में जा रही है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जिधर जा रही है उस दिशा में आपको चलते रहना। इस तरह का क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा जाता है, या तो डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड, ये दो चीज़ पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा जैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, इस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी
ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज का भी लाइक कर सकते हैं। प्लस इस क्लास का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।